हाय दोस्तों, आज हमारे घर पर खाना बन रहा है, बिल्कुल आपको देसी अंदाज में, जो कि गांव में जो खाना बनता है आपको मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ। ये है हमारे जो कुंडा कहते हैं, जो अब इसको परात कहने लग गए, ये स्टील का है। और ये है बेलन सरगोटा, और ये है बेलन, इस पर रोटी मेकिंग का काम होगा। देखो इस तरीके से गाँव में रोटी बनाई जाती है, ऐसे औरतें घूंघट निकाल कर खाना बनाती है, और इस तरीके से बिल्कुल चूल्हा चेता है, लगता है चूल्हे में आग जल रही है बिल्कुल, और लकड़ी जल रही है। ये बिल्कुल देसी अंदाज है, बिल्कुल एकदम नए सिरे से, एकदम जो देसी अंदाज है वही है बिल्कुल। आपको पीछे लग रहा होगा कि ये बोर्ड, इसका मतलब नीचे बैठ के बना रहे, ऐसा नहीं, घर के अंदर बोर्ड पड़ा हुआ है। और बिल्कुल ये रोटी मेकिंग का काम हो रहा है देसी अंदाज में, राजस्थानी अंदाज में बिल्कुल। और ये एक देखो, रोटी बनाने का मैं बारीकी से बताता हूँ। ऐसे लिया और फिर इस ढंग से इसको आटे को धीरे 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 मेकिंग का काम करते हैं। बिल्कुल आप देखते जाइए, मैं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। बिल्कुल आप देखिए, इस तरीके से एकदम गोल कर दिया इसको, और इसको वापस इसमें डालते हैं। इसमें ये देखो, इसमें डाल दिया, अब इसके थोड़ा सा आटा लगा दिया, वापस वही ढंग से अब इस पर डाल दिया। देखो ये बिल्कुल इस ढंग से अब धीरे 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 बनाते बनाते इसको एकदम बड़ा कर देंगे। ये देखो कितनी अच्छी स्पीड है हाथों में, देखो देखो। अब इस पे जाएगा ये, इस पे एकदम ये लगाते ही एकदम, ये देखो देखो, इस तरीके से रोटी एकदम बड़ी हो जाती है, देखते देखते एकदम गोल गोल बन गई रोटी बिल्कुल। ये देखिए, ये है राजस्थान का देसी अंदाज। सभी सामान पड़े रहते हैं पास में, और देखो इस ढंग से रोटी भी फेर जगह खाली कर दी पहले वाली। अब इसको लेने का स्टाइल और ये डालने का स्टाइल बिल्कुल, ये स्टार्ट हो गई रोटी सकना। अब इस रोटी को मैं आपको बता रहा हूँ, कंडे पर देखो, ये चूल्हे पर रोटी छक रही है। अब इसको दो बार तीन बार थाल लगाने के बाद ये लगा दी थाल, मतलब इसको इतनी बारीकी से सेका जाता है कि जल ना जाए रोटी बिल्कुल बिल्कुल। एकदम शानदार तरीके से रोटी मेकिंग का काम चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, रोटी मेकिंग का काम चल रहा है। और अब ये सब्जी काटना स्टार्ट हो गई, देखो ये सब्जी, आलू की सब्जी काटना भी स्टार्ट हो गई बिल्कुल, जितना हो सके उतना सुपर फास्ट काम। इधर रोटी सक रही, ये देख लो, ये वापस इसको थाल लगाती है। ये देखो आलू काटने का काम स्टार्ट हो गया बिल्कुल। ये देखिए, एक 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 तरीके से इतने बड़े बर्तन में आलू कटेंगे, मतलब कितनी क्वांटिटी में कटेंगे आलू आप देख लो। ये देखो रोटी जल गई है, और रोटी सक भी गई, रोटी जल भी गई, अभी आलू कटना स्टार्ट हो गया बिल्कुल। ये देखिए, ये आलू कट गया है, देखिए ये खाना एकदम, ये देखो रोटी, ये रोटी पे रोटी लगा दी ताकि ये जले, हाथ ना जले, और रोटी को एकदम दबाव लगा के प्रेशर बना के एकदम रोटी फूल जाए कचौरी की तरह।